एक बड़ी खबर आपको बता रहे, लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। लखीमपुर जाते वक्त सचिन पायलट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुरादाबाद में पुलिस ने दोनों नेताओं को नहीं जाने दिया हिरासत में लेने की क्या वजह है, पुलिस अभी इसको लेकर जानकारी नहीं दे पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लखीमपुर हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सचिन पायलट जा रहे थे, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन उनके साथ वो भी हिरासत में। मुरादाबाद में पुलिस ने दोनों नेताओं को जाने से रोका है। सुबह से निकले हुए हैं पायलट जी, जयपुर से आए, सुबह से हम लोग परेशान हैं। हमारा गुनाह क्या है? बैरिकेडिंग की गई है, क्या जाना? ये तो अधिकारियों से पूछो, सरकार से पूछो कि वो हमें क्यों रोक रहे हैं। हम तो जानना चाहते हैं, लेकिन आप पूछिएगा कितनी गाड़ियों पर परमिशन आपकी, हमें नहीं पता। ये तो सरकार प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे, हमसे बात तो करें, बात करेंगे तो बात करके बताएंगे क्या करना चाहते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी जी के लेकर क्या कहना है, जो सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, उनकी हिरासत इलीगल है, कतई उनको हिरासत में, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था कि जो उनको हिरासत में लिया जाए, उनको हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी जी को एयरपोर्ट पर रोका गया, कल हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को रोका गया। टोटली लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है। योगी आदित्यनाथ जी को इस पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, ये आचार्य प्रमोद कह रहे थे, उनके साथ सचिन पायलट भी हैं। दोनों लखीमपुर हिंसा में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रमोद कृष्णन और सचिन पायलट को मुरादाबाद में पुलिस ने दोनों नेताओं को जाने से रोका है। सचिन पायलट का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हिरासत में लेने की वजह क्या कुछ है, पुलिस ने अब तक ये भी नहीं बताया है, लेकिन दोनों को हिरासत में लिया गया। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, लगातार नेताओं को रोकने का सिलसिला जारी, नया नाम सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन का, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, बिल्कुल सड़क मार्ग से दोनों नेता जो हैं वो सीतापुर जा रहे थे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन में उनका सहयोग करने के लिए और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन सचिन पायलट और प्रमोद कृष्ण को मुरादाबाद से पहले पुलिस ने रोक लिया है। दोनों को रोकने के बाद हिरासत में लिया गया है। पायलट ने उनसे पूछा पुलिस से कि क्या वजह है रोकने की, क्या कारण है, कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जवाब। बिल्कुल, तो वजह पूछने पर वजह भी नहीं बताई गई, लेकिन हकीकत है कि अब इस वक्त लखीमपुर जाते वक्त हिरासत में ले गए। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर सब कुछ बयां करती है। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी नजर आएंगे, सचिन पायलट नजर आएंगे। दरअसल उन्हें रोका गया मुरादाबाद जाने से और हिरासत में लिया गया। हालांकि जैसी जानकारी मिल रही, सचिन पायलट ने पूछा वहां पर अधिकारियों से कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है, हिरासत में लेने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी के जो किसान हैं उनके पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे सचिन पायलट, पहले से ये कार्यक्रम तय था। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन दोनों लोगों को मुरादाबाद घुसने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया और वहां पर हिरासत में ले लिया, और ना ही कोई वजह बताई गई। और इसको लेकर अब जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उबाल और गुस्सा देखने को मिल रहा है। मेरे आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर जाने की कोशिश कर रहे थे और पहले से एक कार्यक्रम तय था। उन्होंने कहा था कि वो सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन जो पीड़ित परिवार हैं उनका ढांढस बंधाने वहां पर जाएंगे, लेकिन वहां मुरादाबाद के पास उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर दूसरे कई नेताओं को जो है वहां मौके पर जाने से रोका गया था, और पुलिस के अधिकारियों ने जब उन्हें हिरासत में लिया सचिन पायलट को, तो पायलट ने उनके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि आखिर हिरासत में लिया क्यों जा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, और इसको लेकर जो है सचिन पायलट को हिरासत में ले जाने की जानकारी जब बाहर आई, तो प्रमोद कृष्णन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ये किसी भी हाल में संवैधानिक नहीं है। और इस मौके पर योगी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। इतना बड़ा कन्फ्यूजन है, रोकते हैं फिर कहते हैं अच्छा ठीक है साहब चले जाओ, फिर अगली बार रोक देते हैं, फिर रोका गया, फिर रोका क्यों, कम से कम 12-13 बार रोका गया है। सुबह 6 बजे से हम लोग मिलते हैं, ये जयपुर से चले। बट अब हमें क्या करना है, हम लखीमपुर जाते जाते हैं तो लग जाएगा कम से कम 10-20 गाड़ियाँ जो हमारे साथ गाड़ियाँ पीछे रोक दी, 10-12 गाड़ी हमारी, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे फॉलोअर्स भी हैं सब। अधिकारियों से पूछा कि क्यों ब्लॉक कर दिया रास्ता, क्यों जाने नहीं दिख रहा है? मुझे अधिकारी ने कहा कि आगे नहीं जा सकते हैं, आप कितना कहा आगे जाने का आदेश मिला। ठीक है, मिस्टर हाथ छोड़ देते हैं। देखिए।